मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस पूरे राज्य में इस खबर को लेकर सनसनी फैल गई। प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार जाने के संकट के बादल छा गए हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात में फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रदेश में 22 विधायक हैं। 5 से 6 विधायकों के मोबाइल नंबर सोमवार से बंद है। कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सोमवार रात तक बड़ा उलटफेर कर सकती है। उधर एक सप्ताह से लापता कांग्रेस विधायक रघुराज सिंह कंसाना सोमवार को मोबाइल के जरिए मीडिया के संपर्क में आए। कंसाना ने कहा कि वो भ्रमण पर गए हुए थे, मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया। लापता होने की खबरों पर बोले कि मेरी जरूरत किसी को नहीं है, सरकार में किसी के पास मिलने का वक्त नहीं है। उपेक्षा से दुखी होकर मोबाइल बंद किया था। कांग्रेस नहीं समझ रही है कि किसकी वजह से बनी थी सरकार। युवा नेतृत्व तो युवा चेहरे को प्रदेश की जनता ने चुना था। कमलनाथ सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। कमलनाथ सरकार के 6 मंत्रियों समेत 17 विधायक बागी होकर बेंगलुरु पहुंच गए हैं। 2 मंत्री पहले से बेंगलुरु में मौजूद थे। इन विधायकों को 3 चार्टर प्लेन की मदद से दिल्ली से बेंगलुरु ले जाया गया। सभी मंत्री और विधायक तकरीबन 3:30 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरे। कमलनाथ सरकार के जिन मंत्रियों को बेंगलुरु ले जाया गया है वह हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रभुराम चौधरी, इमारती देवी, महेंद्र सिसोदिया। सभी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के माने जाते हैं। इसके अलावा जो 17 विधायक 3 चार्टर प्लेन की मदद से दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचाए गए हैं उनके नाम हैं राजवर्धन सिंह, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज, बिजेंद्र यादव, जसपाल जज्जी, रणवीर जाटव, कमलेश जसवंत, रक्षा सिरोनिया, मुन्ना लाल गोयल, सुरेश ठाकर, रघुराज कसाना और हरदीप सिंह डंग। इन विधायकों में से हरदीप सिंह डंग तो अपना इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष को भेज चुके हैं। हालांकि एक अन्य विधायक बिसाहू लाल सिंह कल बेंगलुरु से भोपाल वापस पहुंच गए थे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बिसाहू लाल सिंह भी उन्हीं के साथ हैं और वे इस आश्वासन के बाद भोपाल रवाना हुए हैं कि जरूरत पड़ने पर वह बीजेपी के साथ खड़े होंगे। माना जा रहा है कि 16 मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन ही बीजेपी कमलनाथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और इन विधायकों की मदद से अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि सभी मंत्री और विधायक सिंधिया खेमे के हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़े कदम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं।